अफ्टरनून हो गई है और मैं इवान और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो ड्राइव कर रही है। हम लोग हम मार्केट जा रहे हैं। इवान बोल रहे हैं यस वी आर गोइंग टू मार्केट। हम लोग मार्केट जा रहे हैं, वन स्टॉप ना चंचल, वन स्टॉप जा रहे हैं, घर के पास में है जयपुर में। आज पहली बार मैं चंचल को कार ड्राइव करते देख रही हूँ। यूजुअली हम दोनों स्कूटी लेके कहीं भी चले जाते हैं। हमारे घर के आसपास का एरिया, काफी अच्छे घर बनाए यहाँ पे, कितना कन्वीनियंट है। देखो जयपुर में हर कोने में आइसक्रीम के स्टॉल्स मिलेंगे, पानी पूरी के मिलेंगे और शाम होते ही ऑमलेट के भी खुल जाते हैं। हाँ तो ये हमारा इंडियन कन्वीनियंस स्टोर है घर के पास। लिटरली 6-7 साल पहले इस तरह के स्टोर्स मुझे कहीं पे नहीं दिखते थे। ये थोड़ा कन्वीनियंस स्टोर टाइप का फॉर्मेट है और देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ रखा हुआ है। मेरे तो दिमाग में यही चलता रहता है चाइना क्या लेके जाऊं। मैंने सोचा विम टिकिया लेके जाऊंगी लेकिन रिन ले जाना था मुझे कपड़े धोने के लिए। कम्फर्ट काफी साफ सुथरा है। मेरा इवान देख, इवान इज लाइक ये कौन से अनजाने प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कैंडीज और कुकी कहाँ हैं। अब हम घर पे आ गए हैं, इवान को सॉसेजेस खिलाने बिठा दिया और वो खा रहा है अच्छे से। और इवान का छोटा भाई यहाँ पे खेल रहा है, यहाँ पे टीवी चल रहा है, ये लोग टीवी देखते रहते, कुछ भी देख रहा है यानी यहाँ पे रेसिपीज बनाई जा रही है। लेकिन इवान को बड़ा मजा आ रहा है, कोक कहीं दिख जाए इवान को तो छोड़ता ही नहीं है, लेके ही मानता है। यहाँ पे मम्मी ने बनाया है पनीर स्पेशल, ये वाला मेरा फेवरेट है, ये बहुत लाइट लगता है। इसमें करी जो होती है ना सिर्फ टमाटर के फ्लेवर की होती है, पनीर बहुत सॉफ्ट होता है और काली मिर्च का सबसे ज्यादा फ्लेवर आता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में नहीं मिलता कहीं पे भी। ये सुबह की राबड़ी पड़ी है, राबड़ी होती है छाछ और उसमें बाजरा होता है, उसके आटे को पकाते हैं, गांव में बहुत बनती थी हमारे। मम्मी मुझे रोटी नहीं बनाने देती है, मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है, देखो गोल गोल एकदम छोटी छोटी रोटियां बनाती है मम्मी, मैं बड़ी बड़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ है बना रही है पुलाव, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे फैमिली में कुकिंग में सभी बहुत अच्छे हैं, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है जिसका खाना खराब हो या एवरेज हो। इन दोनों में लड़ाई हो गई प्लेन को लेके, सारे खिलौनों को लेके हो जाती है, जबकि दो दो लिए हैं सारे खिलौने इनके लिए। देखो दो प्लेन लिए हैं, दो ट्रक्स लिए हैं। तो इस पनीर की रेसिपी में सिर्फ पिसे हुए टमाटर होते हैं और पिसी हुई काली मिर्च, जीरा और बड़ी इलायची और कटी हुई हरी मिर्च भी होती है। प्लीज बना के देखना आप। पनीर की सब्जी मैंने घी नहीं लिया क्योंकि काफी हैवी लगती है मुझे, थोड़ा वेट यहाँ पे बढ़ने लग गया मेरा, सारे जीन्स टाइट हो गई है। यहाँ पे आके मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ ना, बस खाती रहती हूँ। आने के बाद लगभग एक हफ्ते तक रोज मैंने मटन खाया क्योंकि Anyone? Mama is eating now. You wanna eat? Finish your sausage. No sausage. तो यानी एक हफ्ते तक तो मटन ही खाया क्योंकि चाइना में मटन नहीं अच्छा मिलता और यहाँ पे इतना टेस्टी मिलता है और सबको पता है मुझे पसंद है, तो वो ही वो बना रहे थे जो भी हमको इनवाइट कर रहा था वो। Later that same evening. ये भुर्जी, अंडा भुर्जी, चिकन भुर्जी, चिकन भुर्जी, अंडा प्लस चिकन भुर्जी, डिनर में खा रहे हैं हम। मुझे तो पता ही नहीं था चिकन की भी भुर्जी बनती है। इवान वहाँ खेल रहा है लाइट के साथ। तो मम्मी नाइट मार्केट से बहुत ही हेविली डिस्काउंटेड सब्जियां लेके आई है। देखो आप कितनी अच्छी सब्जियां, बहुत टाइप के बैगन है, छोटा वाला, ये राउंड वाला और ये देसी वाला। रेडिश नहीं, ये क्या है, ये रेडिश ही है ना, सॉरी बीटरूट, हाँ वैसे ही है। भिंडी है, गाजर है, ये सरसों है, चाइना में तो अलग ही मिलता है। धनिया है, टमाटर, मेथी, देखो मेथी नहीं मिलती चाइना में इजीली, मशरूम्स है, टमाटर बहुत सारे ले आए ना, बथुआ भी है, ये थोड़ा अलग मिलता है, सब कुछ अलग दिखता है चाइना में। तो आरू का फेवरेट सॉन्ग आजकल बम भोले है और वो हमेशा इस पे डांस करता है, इसको देख देख के इवान भी इस पे डांस करने लग गया है। और आजकल आरू को इवान पे प्यार भी बहुत आता है, हमेशा उसको हग या किस करने की कोशिश करता रहता है, विच इज वेरी क्यूट। यस यू कैन डू लाइक दिस। The next day. ये देखो आप,
मेथी के पराठे, इसमें हरी मिर्च का पेस्ट और मसाले डाले, अभी मम्मी गूंद रही आटा। और ये मेथी ऐसी चीज है कि मिलती नहीं है चाइना में, बहुत महंगी मिलती है, जो एक फार्म सेल करता है 750 की 1 kg मिलती है। और एट दिस प्राइस मेथी का प्राइस सारे टाइप्स के मीट से ज्यादा है, इंक्लूडिंग पोर्क, मटन एंड बीफ। आटा गुन गया है और चाय यहाँ की एकदम अलग ही लगती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ इतना अच्छा दूध नहीं आता, यहाँ का दूध अलग ही लगता है। इसमें हमने अदरक भी बहुत डाली है ना मम्मी, अदरक काली मिर्च, क्योंकि गला सबका खराब हो रहा है। वीडियो हो ना, हाँ, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता। अच्छा, तो कुछ 4 साल बाद मैं मेथी का पराठा खा रही हूँ। मुझे इतना पसंद था कि गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ कुकिंग अलाउड नहीं थी, वहाँ पे भी मैं बनाती थी अपने रूम के अंदर। ये लाइट अच्छी आती है ना, बहुत भयंकर, बहुत अच्छी लाइट है, इस लाइट में अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। अरे बेटा, पर वो कई बार ना गैस ऑन रह जाती, दिखती नहीं। तो चाइना से जो मैं वेट वाइप्स लेके आई थी वो खत्म होने आए थे, और उससे पहले ही चंचल बहुत सारे वेट वाइप्स और इवान के लिए कपड़े भी ले आई। रोज वो कुछ ना कुछ लाती ही रहती है इवान के लिए। मीमी मस्त है, सॉफ्ट लग रहे हैं एकदम। आरू को बहुत ही ज्यादा प्यार आता रहता है इवान पे, उसको बहुत क्यूट लगता है, पर इवान शुरुआत से ही हक करने वाले बच्चों से थोड़ा डर जाता है। तो सुबह सुबह मैंने लगाया एक फेस पैक मसूर की दाल वाला, और मैं लिखने बैठ गई लेटर, क्योंकि किसी काम के लिए मुझे घर के इलेक्ट्रिक बिल्स चाहिए थे। और फिर मैंने जब उनको चेक किया तो देखा कि बिल में मम्मी पापा दोनों के नामों की स्पेलिंग्स एकदम गलत थी। मम्मी ने बोला कि उन्होंने ऑफिस जाके कई बार अपनी स्पेलिंग सही कराने की कोशिश की, बट वो लोग एक गलत स्पेलिंग हटा के दूसरी गलत स्पेलिंग लगा देते हैं। तो मैंने सोचा दोनों इलेक्ट्रिक और वाटर बिल पे पापा और मम्मी दोनों की स्पेलिंग सही करवा दूंगी, उसके लिए अच्छा सा लेटर लिखना पड़ेगा ताकि उनका ध्यान जाए। और लेटर मुझे हिंदी में लिखना था क्योंकि बिल भी सारे हिंदी में थे, और मैंने स्टार्ट किया लिखना। बहुत टाइम बाद मैं लेटर्स लिख रही हूँ, पेपर छोटा पड़ जाएगा। माननीय महोदय, माननीय महोदय, इवान बी केयरफुल, अपने फेवरेट टॉय लेके आ गया ये। जो कुछ घर में पचा रहे थे। मम्मा ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ओके, मम्मा इज राइटिंग लेटर। लेटर लिखने में मेरा थोड़ा बहुत टैलेंट है, क्योंकि मुझे याद है स्कूल में किसी को भी लेटर्स लिखने थे प्रिंसिपल को छुट्टी वगैरह लेने के लिए, तो मुझे ही कॉन्टैक्ट करते थे, मैं उनके बिहाफ पे लिखती थी। और आज मैं अपनी मम्मी के बिहाफ में लिख रही हूँ दोनों लेटर्स। तो बस अभी सुबह उठ के यही किया हमने, कोई मेकअप वेकअप भी नहीं किया मैंने, आज मैं ऐसे ही वीडियो ले रही हूँ। और इवान यहाँ पे खेल रहा है सीढ़ियों पे, मेरी सिस्टर इन लॉ वो किचन में फिनिश अप कर रही है जो भी थोड़ा बहुत बचा था। इवान, व्हाट आर यू डूइंग? ट्रैक्टर, यस। इवान इतना खुश है, यहाँ पे इतने सारे टॉयज मिल गए इसको, नए नए, अकेले अकेले खेले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? 2 hours later. लंच में हम खाएंगे सरसों का साग जो मम्मी ने कल बनाया था शाम को, यहाँ पे चिकन भी है जो मैंने कल रात को खाया था, और पत्ता गोभी की सब्जी जो अभी बनाई है मम्मी ने। ये देखो, ये रहा गाइस मेरा खाना, लंच। ये चिकन का एक लेग पीस लिया मैंने कल का, और ये रोटी, सरसों का साग, पत्ता गोभी फ्रेश, यही खाने वाली मैं। मेरे मजे हो रहे हैं, मेरा वेट बढ़ रहा है आजकल। नहीं नहीं, आलू कम पकड़ो और प्लेट में वो गलत बात, खाया क्या रोटी? इवान रोटी नहीं खा रहा था मेरे हाथ से, फिर ये अपने भाई के हाथ से खाने लग गया। आज मैं इतनी खुश हो गई ना, वाटरमेलन लेके आया इसके लिए, देखो कितना फोड़ फोड़ के खा रहा है, ग्रीन पार्ट भी खा रहा है। यहाँ चंचल भी स्ट्रगल कर रही है, आरू बहुत पिकी है खाने के मामले में इवान जैसे, सिर्फ उत्तप्पा ही खाता है और वो भी थोड़ा सा एकदम। डोंट ईट द ग्रीन पार्ट इवान, वाटरमेलन लेमन बोलता है। गुड बॉय, मामी और भाई के हाथ से खाएगा लेकिन मेरे हाथ से नहीं खाएगा रोटी। इवान वाटरमेलन इतना फोड़ फोड़ के इसलिए खा रहा है क्योंकि इंडिया के वाटरमेलन में चाइनीज वाले से बहुत ज्यादा फ्लेवर है। आरू लिटरली ये स्टूल ड्रैग करके लाया अपनी चेयर के पास ताकि ये दोनों साथ में बैठ के टीवी देख पाए, बट इवान इज क्लूलेस। Later.
later that same evening. तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और यहाँ पे हमको रात में भूख लग जाती है कितना भी हम दिन में खाएं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, उसको भी रात में भूख लगाती है मेरे जैसे, और वो अभी कोई भेल बना के ला रही है तो मैं आपको दिखाऊंगी हमारा रात का रूटीन कैसा होता है। बच्चे भी जग रहे हैं दोनों, अब ये भी लेट सोते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। ये तैयार किया चंचल ने और इसमें हम भेल डालने वाले हैं और कोई चटनियां भी डालने वाले हैं। मम्मी पापा भी सो गए हैं तो सारा किचन का काम बहुत धीमे धीमे करना पड़ता है हमको। Let's go upstairs. इवान वाकई में कितना खुश है जयपुर में, इसके बोलचाल से ही पता चल जाता है कि कितने मजे में है। और जब से आरू मिला है तब से हमारे अटेंशन की भी डिमांड नहीं करता है। ये कौन सी चटनी है? ये देखिए चौपाटी भेलपुरी, दो पैकेट वाला चाहिए। तो अभी मैं ये भेल खा रही हूँ, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ऐसी सिस्टर इन लॉ सबको मिले, कभी भेल कभी कढ़ी कभी साउथ इंडियन इडली सांभर डोसा सब बना के खिलाती रहती है। तो मम्मी ने सुबह सुबह ही पार्लर की एक लेडी को बुला लिया वैक्सिंग के लिए। इवान के होने के बाद तो मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। आई थिंक 4 साल तो हो ही गए हैं और जयपुर में तो कोने कोने में ब्यूटी पार्लर हैं। Meanwhile, इंडिया आने के बाद ना इवान किसी भी गाने पे डांस करना स्टार्ट हो जाता है। मम्मी को गाने का काफी शौक है और इवान को मम्मी की आवाज बहुत पसंद है, और कोई गाएगा तो नहीं करता डांस। और जब तक पार्लर वाली चली गई तब तक चंचल किचन में काफी कुछ कर चुकी थी। बैगन का भरता बनने वाला है, देखो चंचल बना रही है। और यहाँ पे टमाटर पड़े हुए हैं, ये शायद प्याज डाल दिया ना, मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी की खुशबू तो आ रही है। आज हो गई तारीख 20, या मैं नहा के बस निकली हूँ और आज है ना मेरा भाई आ गया है पूना से, क्योंकि उसको काफी जरूरी काम था, उसको लेट हो गया बट वो फाइनली आ गया है। वो सुबह सुबह आया और सो गया आके, उसके इंतजार में और भी लोग लेट सोए थे। तो अभी शायद 3 कुछ बज रहे हैं, खाना बन रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ ही बना रही है। वैक्यूम क्लीनर मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि यहाँ पे इतनी डस्ट होती है, उसका भी वेट कर रही हूँ। और एक एयर प्यूरिफायर जो कि बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। तो वैक्यूम क्लीनर तो जो सर्फेसिस है वहां से क्लीन करने के लिए, लेकिन हवा में इतनी डस्ट होती है उसके लिए तो एयर प्यूरिफायर लगता ही है। जयपुर में इतना पोल्यूशन हो गया ना गाइस, इतना ज्यादा डस्ट और पोल्यूशन मिलके ना बहुत ऐसे लगता है कि गले में खराश हो जाती है और बहुत ही हैवी हवा लगती है, स्पेशली अगर आप रोड के पास रहते हो तो। मुझे लगा कि मम्मी पापा के लिए अच्छा रहेगा अगर एक एयर प्यूरिफायर ले ले, वो भी आएगा। और एक ह्यूमिडिफायर, क्योंकि जयपुर का क्लाइमेट इतना ड्राई है। पता है आपको, ये घर जो है हमारा, ये मेरे पेरेंट्स ने लिया था जब मैं हाई स्कूल में थी, और उस टाइम यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था, यहाँ पे कोई गाड़ियां नहीं थी, एकदम कच्ची सी रोड थी और अभी रोड बन गई है। अभी देखो एक स्कूल बस भी आ गई यहाँ पे, इतना ट्रांसफॉर्म हो गई ये जगह। यहाँ पे बैगन कट चुके हैं, देखो आप चंचल ने काट दिए सारे। यहाँ पे तड़का लगाई ऊपर से, मैं लहसुन भूल गई तो पक गया। मैं एक हाथ से कर सकती हूँ चाहो तो, ये जल रहा है। बस अब तो धनिया बस ना सारी खुशबू यार। तो अदरक भी डालती इसमें? नहीं, अदरक का फ्लेवर स्ट्रांग हो जाता है, बैंगन का फ्लेवर कम हो जाएगा। ये लग गया है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है ये बैगन भरता। और ये अमरूद है जो कि बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी वाले आ रहे हैं। और ये हमारे सरसों का साग, बैगन का भरता और रोटी खा रहे हैं इस थाली में। यहाँ पे ऐसी थालियां बहुत यूज कर रहे हैं आजकल। A few hours later. तो गाइस अभी जो चंचल है वो कढ़ी बना रही है स्पेशल। जो चंचल है सबसे स्पेशल कढ़ी बनाती है यहाँ पे। यहाँ पे है हमारा छाछ पड़ी हुई है ना, इसी छाछ को यहाँ पे थोड़ा सा डाल के उसके साथ बेसन वगैरह मिक्स करिए अच्छे से।
खाना बनाने जाते हैं तो बच्चे तो कढ़ी का ना चाइना में तो टेस्ट आता नहीं है मुझे, मैं जब भी बनाती हूँ कुछ खास यहाँ ही पे टेस्ट आता है। अब चंचल बोली कि उसका मेथी के वजह से यूनिक टेस्ट आता है कढ़ी में, मैंने कभी मेथी ऐड नहीं की। लेट्स ट्राई। ये कढ़ी पत्ता डाला तो फिर दही बेसन के मिक्सचर में उसने डाल दिया हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। जीरो कूटन डाले हैं। कूट के इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। ये तो मैं रिकॉर्ड करने का एक रीजन है कि वहां पे बनाऊंगी तो ऐसे देख के वीडियो बनाऊंगी ये वाला। सच में बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तेज हो जाती इसलिए मैं इसको हरी मिर्ची को सिर्फ दो टुकड़ी करके डालती। यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? ये कड़ी। कड़ी ना, यहाँ पे इसने अच्छे से मिला दिया है। यहाँ पे साइड बाय साइड उत्तपम भी बना रही है ना। उत्तपम ये आलू के लिए कल कभी सुखाया नहीं मैंने आज दोपहर में। क्यों? ड्रायर के लिए रखे मैंने, भूल गई मैं। बनी आया था ना उस टाइम, याद है ना, नीचे आया था उस टाइम तो मैं भूल ही गई। अपने आप सूखे तो मुझे ऐसा लगा गला नहीं खराब हो जाए मेरा, तो मैंने इसलिए लॉन्ग खा लेती तो ठीक हो जाता है। उसकी जो मेरे पास वो है ना लाइट, उसकी तो और ही है, क्या बोलते हैं, और मेथी ना यहाँ पे बाद में डाल दी, मुझे लगा शुरू में डाल देगी। शुरू में तड़के में डालते हैं और ऐसे भी डालते हैं। सही है, पर तड़के में इसलिए नहीं डालते। ये राजस्थानी स्टाइल है क्या? हाँ। तड़के में क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये अपना कड़वापन छोड़ देती है। अच्छा। अब इसमें बस मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची और प्याज भी ना थोड़ा सा। वाओ, बहुत हल्का सा, एक दो पीस ही दिख रहे हैं बस। ये मास्टर शेफ चंचल की कढ़ी तैयार होगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी ऐसी कढ़ी आपको। सेम टू सेम बना के देखना। तो आज मम्मी को पूरे दिन बहुत सारे काम थे, अभी रात को मम्मी वापस लौटी है घर पे। इवान 25 जो वही है। इवान यस, एवरीवन नोज यू आर अ गुड ड्राइवर। तो मेरा ये वैक्यूम क्लीनर है या तो, या एयर प्यूरिफायर है, ये भी आ गया है मेरा आज। तो मैंने सोचा इससे पहले कि दोनों बच्चों की नजर पड़ती है मैं जल्दी से बॉक्स खोल देती हूँ। ये देखो कितना सुंदर आया है मीका फिलिप्स, और इसका सेम प्राइस था लेकिन ये नंबर वन था अमेजोन पे, सबसे ज्यादा लोगों ने लिया था, इसकी रेटिंग भी बहुत हाई थी, तो ये वाला ले लिया। और ये बहुत ही एस्थेटिकली अच्छा है, आराम से यहाँ से खुल जाता है, फिल्टर भी इजीली चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से शायद अच्छी फ्रेश हवा अंदर जाती है या बाहर जाती है, आई डोंट नो। हाँ प्लीज, वी नीड टू क्लीन योर फेस। तो ये हमने लगा दिया, प्लग कर दिया है, और देखो इसमें पोल्यूशन दिखा रहा है, रेड यानी पोल्यूटेड है, हेल्दी आई थिंक 30 रहता है, इसमें 82 दिखा रहा है। You're so strong, Ivan. और पता नहीं किसने चैनल चेंज किया, डिस्को डांसर वाला गाना आने लग गया और इवान देख के सारे स्टेप्स कॉपी करने लग गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही बस। एज प्रॉमिस्ड मैंने 3-4 दिन में ही नया वीडियो पोस्ट कर दिया, बट आपसे जो प्रॉमिस किया था आपने नहीं किया वो है सब्सक्राइब करना। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, 73% लोग जो देखते हैं मेरे वीडियोस उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और गाइज नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक के लिए बाई।